जंगल की दुनिया में सांप से उलझना बेहद खतरनाक हो सकता है, ये बात एनिमल किंगडम का हर सदस्य जानता है। इसलिए फूड चेन के टॉप प्रीडेटर से उलझने की हिमाकत केवल वही जीव करता है जो सांप के जहर के प्रति इम्यून होता है। ऐसे में क्या आप एक बिल्ली से उपेक्षा कर सकते हैं कि वो जहरीले सांपों से जाकर भिड़ जाए? सुनने में ये बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन ये मत भूलिए कि जंगल की दुनिया में सरवाइव करने के लिए बिल्ली को भी शेर बनते देर नहीं लगती। यहाँ जो खुद का रक्षण कर पाता है वही जीवित बच पाता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी बैटल ऑफ दिखाने वाले हैं जहां खुद को बचाने के लिए बिल्ली वाइपर जैसे जहरीले सांपों से भी उलझने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप कैट लवर हैं और बिल्ली को मासूम जानवर के तौर पर देखते हैं तो ये रोमांचक बैटल ऑफ आपको शॉक करने वाली है, क्योंकि यहां आपको एक मामूली बिल्ली वाइपर और पाइथन जैसे खौफनाक सांपों का थोड़ा बिगाड़ते हुए दिखाई देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैट वर्सेस पाइथन। शुरुआत करते हैं हमारी इस पहली क्लिप के साथ, जहां ये क्यूट कैट अपने किटन्स के साथ बरों में बैठकर आराम फरमा रही है, लेकिन लगता है कि इनकी मौजूदगी का अंदाजा किसी घातक शिकारी को लग गया है। हम बात कर रहे हैं पाइथन की, जो दबी हुई चाल में इस मासूम बिल्ली के खरौंदे की तरफ बढ़ता है। वो जल्दी ही बिल्ली के बरों के दरवाजे पर पहुंच जाता है और अंदर जाकर बच्चों को खाने की कोशिश करता है। मामला गर्माता देख बिल्ली अपने बेबी और सांप के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। वो इतनी आसानी से उसे अंदर जाने नहीं देती, इसलिए पंजे से उस पर लगातार हमला करने की कोशिश कर रही है। बिल्ली के हमले का पाइथन भी पूरे जोश के साथ जवाब दे रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बिल्ली को डरा धमका कर अंदर बरों में प्रवेश कर जाता है। लेकिन बिल्ली ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, वो अब भी सांप पर हमला करती रहती है। जैसे ही सांप बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तब तक स्थानीय लोग वहां पहुंचकर बच्चों को बचा लेते हैं। बट मानना पड़ेगा कि आज बिल्ली की किस्मत अच्छी थी, इसलिए उसका परिवार मौत के काफी करीब आकर भी बच गया है। कैट वर्सेस कोबरा। इस बात में कोई शक नहीं है कि बिल्ली कुत्तों की तरह ही एक लोकप्रिय जानवर है, जो रोडेंट और लिजर्ड और पक्षियों को मारने में हमेशा आगे रहती है, लेकिन सांप से उलझना इनके लिए थोड़ा भारी होता है। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां बिल्ली का पाला किंग कोबरा से पड़ा है। किंग कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इससे भिड़ने से पहले तो सांप की बाकी प्रजातियां भी कई बार सोचती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये बिल्ली बड़ी बहादुरी के साथ सांप के हमले को डॉज करती नजर आ रही है। हालांकि किंग कोबरा अपने हमले में फास्ट है, लेकिन बिल्ली भी अपने पंजों की तेजी से कोबरा के सर पर हमला करने की कोशिश कर रही है। बिल्ली के नुकीले पंजों से परेशान होकर सांप खुद को किनारे करके हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली का हमला जारी रहता है। ऐसे में सांप अपने शिकार के शरीर पर रैप करता है, लेकिन उसकी चाल फीकी पड़ जाती है, क्योंकि बिल्ली छलांग लगाकर उसके शरीर को घायल करने की कोशिश करती है। इन दोनों के बीच की घमासान काफी समय तक जारी रहती है। कैट वर्सेस वाइपर। अगले वीडियो में एक प्यारी सी सफेद बिल्ली वाइपर से उलझती नजर आ रही है। सबसे हैरानी की बात है कि हमले का सिलसिला सबसे पहले बिल्ली की तरफ से शुरू होता है। हालांकि वाइपर कुंडली मारकर हमले की पोजीशन में बैठा है, लेकिन इस बात से अनजान बिल्ली दोबारा आगे आकर वाइपर पर नुकीले पंजे गाड़ने की कोशिश करती है। इसकी प्रतिक्रिया में वाइपर जोरदार हमला करने के लिए आगे आता है। ये वीडियो स्लो मोशन में देखने पर पता चलता है कि सांप अपना टारगेट मिस कर जाता है और वाइपर के रिएक्शन पर बिल्ली का डिफेंस मैकेनिज्म सही समय पर काम कर जाता है। कैट वर्सेस पाइथन। इस क्लिप में पाइथन दोबारा किटन को लजीज पकवान के रूप में खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बिल्ली अपने बच्चों को बचाने के लिए आगे आती है। वो सावधानी के साथ पाइथन के सर पर पंजों से हमला दागती है। हालांकि पाइथन भी इतनी आसानी से हार नहीं मानता और दोनों के बीच लड़ाई जारी रहती है। बिल्ली पूरी बहादुरी से पाइथन के सामने टिकी रहती है और अपने पंजों से उसके सभी हमलों को खारिज कर देती है। कैट वर्सेस स्नेक। लगता है कि बिल्लियों की प्रजाति में सांप का डर खत्म होता जा रहा है, तभी ये जीव बड़ी आसानी से हर हमले का जवाब देने की फिराक में रहते हैं। इस क्लिप में बिल्ली सांप से लड़ रही है। उस पर वार करने के लिए इसके पास केवल अपने नुकीले पंजे हैं, जिनका ये बखूबी इस्तेमाल कर रही है। बिल्ली सांप पर जीत हासिल करने की कोशिश में है। आप देख सकते हैं बिल्ली सांप पर जीत हासिल करने की कोशिश में है। आप देख सकते हैं कि सांप के हमले से पहले ही बिल्ली उस पर अपने वार जड़ देती है और हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देती है। खैर, यहाँ पर बिल्ली को समझाने की जरूरत नहीं है कि सांप कोई आसान प्रतिद्वंदी नहीं है, उसे पकड़ना मुमकिन नहीं है, लेकिन बिल्ली ये मानने को राजी नहीं है। वो आखिर में सांप के सर पर हमला करती है और सांप से मुंह की खाती है। कैट वर्सेस सैंड वाइपर। ऐसा नहीं है कि बिल्ली और सांप की लड़ाई केवल जंगल और आम क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है, रेगिस्तान में भी ये जानवर एक दूसरे से भिड़ते दिखाई देते हैं।
अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां बिल्ली का पाला सैंड वाइपर से पड़ा है। हालांकि सबसे पहला हमला हमें वाइपर की तरफ से देखने को मिलता है, लेकिन बिल्ली इसे बखूबी डॉज कर लेती है और हमले का जवाब देते हुए अपने नुकीले पंजे उसके शरीर में गड़ाने की कोशिश करती है। आप देख सकते हैं कि बिल्ली के हमले से सांप का क्या हाल हुआ है। पंजों के केवल कुछ ही हमले से सांप घायल हो चुका है और अब वो इस स्थिति से बचने की कोशिश कर रहा है। कैट वर्सेस स्नेक। बिल्ली के पास सांप को हराने की यही तरकीब है कि वो हमला करके उसकी त्वचा को फाड़ डाले और तब तक उसे परेशान करे जब तक कि सांप थक न जाए। आप देख सकते हैं कि इस केस में बिल्ली के हमले सांप से ज्यादा फुर्ती रहे और शायद सांप थक रहा है। मौके का फायदा उठाकर बिल्ली पूंछ की तरफ से सांप को घायल करने की कोशिश करती है, फिर सामने आकर बार बार उसके सर को अपना निशाना बनाती है। जैसे ही सांप भागने की तैयारी में होता है, ये अपने हमले से दोबारा उसे जंग के मैदान में शामिल कर लेती है और अपने पंजों से उस पर लगातार हमला जारी रखती है। दोस्तों, मानना पड़ेगा कि बिल्ली काफी बहादुर है, जो हार मानने को राजी नहीं है और सांप को इतनी आसानी से भागने की छूट नहीं देने वाली। लगातार हमलों के बाद जैसे ही इसे मौका मिलता है, ये उसे अपने मुंह में दबा लेती है, लेकिन सांप अभी भी जिंदा है, इसलिए ये उसे नीचे छोड़ देती है। ये ऐसा एक ही बार नहीं बल्कि कई बार करती है और आखिर में उसे मुंह में दबा कर अपने घर की ओर चल देती है। आज इस बहादुर बिल्ली ने काफी काम किया है और इसका फल भी उसे मिल चुका है। कैट वर्सेस स्नेक। अगली बैटल ऑफ में सांप पहले ही लड़ाई के लिए एकदम तैयार बैठा है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये अपना मुंह खोलकर बैठा है ताकि बिल्ली के करीब आते ही ये उसे बाइट कर सके, लेकिन बिल्ली को सांप के इस अंदाज से जरा भी खौफ नहीं है। ये बिना डरे आगे बढ़ती है और सांप के ऊपर थावा बोल देती है। अपने डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए सांप बिल्ली से खुद को सुरक्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है कि बिल्ली जानती है कि अपने प्रतिद्वंदी को कैसे मजा चखाना है। वो लगातार पंजे से सांप के सर पर हमले जड़ती रहती है। इसका हर अटैक बिल्कुल सही निशाने पर लगता है, जिसकी वजह से सांप बुरी तरह घायल होने लगता है, लेकिन सांप इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। इन दोनों के बीच एक घमासान काफी देर तक चलती रहती है, जिसके आखिर में जीत बिल्ली की होती है, जो सांप की जान ले लेती है। स्नेक वर्सेस कैट। सांप और बिल्ली की ऐसी ही एक और लड़ाई हमें देखने को मिलती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें जीत किसकी होती है। आप देख सकते हैं कि सांप दूसरी ओर फन फैलाए बैठा है, वहीं बिल्ली की नजर भी सांप पर है। धीमी चाल में वो सांप की ओर बढ़ती है, लेकिन सांप इस हरकत को भांप लेता है। इससे पहले बिल्ली अपने पंजों का कमाल दिखा पाए, सांप उसे डराना शुरू कर देता है। इतनी लड़ाई और बड़े फन वाले सांप को अपना शिकार बनाना आसान नहीं होगा। केवल एक ही हमले में बिल्ली अपने खतरनाक प्रतिद्वंदी के अंदाज को समझ लेती है और वहां से भाग लेने में ही भलाई समझती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बैटल ऑफ जो बताती हैं कि जरूरी नहीं कि मासूम से दिखने वाले जीव असल में निर्बल हों। जब बात खुद के जीवन पर आती है तो हर किसी को खुद के रक्षण के लिए हमला करने की जरूरत होती है। बिल्ली भी इन क्लिप्स में अपने सर्वाइवल के लिए सांप से भिड़ रही है और कई मामले में उन पर जीत भी हासिल कर लेती है। इससे पता चलता है कि सभी बिल्लियां डरपोक नहीं होती, उनमें से कुछ काफी बहादुर और निडर होती हैं। तो दोस्तों, आपकी नजर में इन दोनों में ताकतवर जीव कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।